बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज हम 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन 1 है। इस क्वेश्चन में हमें डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है और फर्स्ट टाइम आप डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, तो आप शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल है। तो जैसे हम पहले करते थे, अगर दो टर्म्स का सम है तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल अलग कर दिया और जो सेकंड टर्म है उसका इंटीग्रल अलग कर दिया। अब उसके बाद अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटीग्रेंट है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, एक्स क्यूब ओवर 3। तो यहाँ पर आप देख लें, हमने एक्स क्यूब ओवर 3 लिख दिया है। अब फर्क क्या है कि यहाँ पर क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम एक तो प्लस कांस्टेंट सी यूज़ नहीं करेंगे, और दूसरी बात जो हम करेंगे इसके मतलब इंटीग्रेंट जो था, जिसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट होने के बाद जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा उसके दोनों तरफ बार लगा देंगे और राइट बार के साथ लिमिट्स लिख देंगे। ठीक है, बस ये चेंज है कि इंटीग्रल लेने के बाद बार लगा दें दोनों साइड पर और राइट बार के साथ लिमिट्स लिख दें। उसके बाद बस सिर्फ ये चेंज है। अब हमने इस 1 का इंटीग्रल क्या बनता है, एक्स, वो एक्स लिख दिया हमने, देखा यहाँ पर, और वही बार लगाने के बाद राइट बार के साथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख दी है। अब ये काम इसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये काम नया है लेकिन मुश्किल नहीं है, सिंपल काम है। अब हमने ये जो एक्स हमारे पास मौजूद है, इस एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करनी है। ये अपर लिमिट है, ठीक है, ये वाला 2 जो है हमारा, ये अपर लिमिट है। ठीक, तो इस जगह पर ये मैं लिख रहा हूँ, यह है अपर लिमिट। ठीक है, तो हमने अपर लिमिट को पुट कर देना है। ठीक है जी, अपर लिमिट हमारे पास है। इसी तरीके से ये लोअर लिमिट है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह करते हैं ना, सेकंड माइनस फर्स्ट, यहाँ भी वही काम है, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इधर इधर एक्स की जगह हमने अपर लिमिट यानी कि 2 पुट कर दिया और ये रकम हमारे पास आ गई। बाकी सेम, बाकी चेंज नहीं आती। उसके बाद फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट क्या है, 1 है। तो x की जगह देखें 1 आ गया, इस x की जगह 1 आ गया है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी करना है, बल्कि यहाँ पर अपर लिमिट 2 है, वो 2 लिखना है हमने, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 है, 1 आ जाएगा। ठीक ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब आप तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं, अब 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 8, नीचे 3 है तो 8/3, ये 1 की पावर 3 है तो 1/3 ये बन गया, और ये वाला 2 - 1 1 हो गया। अब जो रकम बन गई है उसका हमने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन का लेवल वो है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन की किया था, तो वही लेवल है। अब हमारे पास ये इंटीग्रल इसका अलहदा हो जाएगा, ठीक है, और इस 1 का अलहदा हो गया। तो देख लें यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, इंटीग्रल अलग हो गया। अब इस जगह पर x की पावर हमें नज़र आ रही है, इसका मतलब है पावर रूल लग जाएगा। तो पावर रूल के मुताबिक पावर में 1 ऐड करते हैं और जो भी नई पावर बनती है
उससे डिवाइड कर देते हैं, देख लें डिवाइड भी कर दिया हमने, ठीक है। और फिर क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गई है तो दोनों तरफ बार लगाकर राइट बार के साथ लिमिट्स लिख देंगे, देख लें आपने राइट बार के साथ लिमिट लिखी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर वन का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा और फिर बार के साथ लिमिट्स आ जाएंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, वो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो रही है, इस जगह पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो पावर में हमारे पास 3/4 है बन जाएगा, इस जगह पर जब हम एलसीएम लेंगे 3/4 बन जाएगा, ये भी 3/4 बन जाएगा, यही लिखा हमने, और इस जगह पर लिमिट पुट कर ली, ठीक है जी। देख लें अपर लिमिट 1 है, फिर माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट वो -1 है। अब इस 4/3 को डिनोमिनेटर में मौजूद है वो लट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और जो बाकी रकम बच गई है वो लिख लिया हमने, ठीक है जी। अब इधर हमने फिर अब लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए, हमने लिमिट पुट की, अपर लिमिट आ गई, फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट आ गई, बाकी एक्सप्रेशन वैसे ही है। उसके बाद अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर आप लोग गलती करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं -1/4 फिर होल की पावर 1/3। अब -1/4 का मतलब क्या है, 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, देखें अब 1 का क्यूब रूट लें हम तो वो 1 होता है, रियल रियल क्यूब रूट 1 का 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 आ गया। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 3/4 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, +2 7/7 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है इस केस में वो 2 हो गया, इस केस में हमारा आंसर 2 आ गया, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेंड है वो ये है। अब इस इंटीग्रेंड में पावर हमें नज़र आ रही है और लेकिन ये डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो पहले तो हम इस रकम को ऊपर ले जाएंगे ताकि पावर ऊपर वाली टर्म में आ जाए, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर -2। अब पावर जब हम देखते हैं तो फिर हम चेक करते हैं भाई क्या यहाँ पावर रूल तो नहीं लग रहा, और पावर रूल के लिए ज़रूरी है कि f जो है हमारा जो इंटरनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो, तो यहाँ पर 2x-1 ये इंटरनल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बनता है 2, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से डेरिवेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर हमने डेरिवेटिव ऑफ 2x-1 लिख दिया इस 2 की जगह पर, क्योंकि 2x-1 का डेरिवेटिव 2 बनता है। अब ऐसा करने से ये फार्मूले वाली शक्ल हमारे पास कंप्लीट हो गई है। फार्मूले में क्या होता है, f होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर f की कोई पावर होती है, साथ में f का डेरिवेटिव होता है, ये चीज़ें पूरी हो गई हैं, इसका मतलब अब हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम पावर रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर देखें पावर रूल लगाया हमने, पावर में +1 कर दिया और जो भी न्यू पावर बनी उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो ये पावर रूल आपके सामने लिखा हुआ है। अब और फिर लिमिट्स वही बार लगाने के बाद राइट बार के साथ लिमिट्स आ गई हैं। अब यहाँ पर पावर बन गई है -1। अब -1 पावर को नीचे ले आते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पर पावर को नीचे ले आया हम। अब हम क्या करते हैं, लिमिट्स को पुट करते हैं, तो इस एक्स की जगह पर पहले अपर लिमिट आएगी, फिर माइनस लगाने के बाद लोअर लिमिट आएगी, तो आप देख लें 1/2x, तो x 0 था लिमिट, यानी कि यहाँ पर 0 आ गया -1, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट आ गई x की जगह पर, ठीक है जी। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2/5। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है
कंप्लीट हो गया है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। देख लें, आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो वही है जो 3.2 का था। तो सिर्फ इसमें नई बात क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल आ गया है, लिमिट्स आ गई हैं हमारे पास, और लिमिट्स पुट करते हुए आपने क्या ख्याल करना है कि जहाँ पर इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाती है हमारी, तो जहाँ पर एक्स मौजूद है वहाँ पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, बाकी रकम सेम आ जाएगी, फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे और बाकी रकम जो भी होगी वो सेम होगी। और लोअर लिमिट या अपर लिमिट हमने कहाँ पुट करनी है, वेरिएबल की जगह पर पुट करनी है। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरा लेक्चर बर वक्त आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।